बैठ जाओ बच्चे और बच्चियों, सभी के मोबाइल ऑन कर दो, सभी का मोबाइल ऑन कर दो। और यहाँ जो हुआ है वो सत्संग हो रहा है, यहाँ जो हुआ है वो सत्संग हो रहा है। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में अंधभक्ति ने दो सगे भाइयों की जान ले ली। घटना बाराद्वारा थाना इलाके के तांडुलडीह गांव की है। बताया जा रहा है कि एक ही परिवार के 6 सदस्य पूजा पाठ और साधना कर रहे थे। इसी दौरान दो सगे भाई विकास गौंड और विक्की गौंड बेहोश हो गए। दोनों को देखने की बजाय परिवार के दूसरे लोग लगातार जय गुरुदेव का जप करते रहे। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची तो दोनों सगे भाइयों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सक्ती ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। घर के दूसरे सदस्यों को भी इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि बाकी सदस्य भी बेहोश हो गए थे। इस घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैली हुई है। सक्ती जिले के SDOP मनीष कुंवर ने बताया कि तांडुलडीह गांव में रहने वाला ये परिवार उज्जैन के एक बाबा की फोटो के सामने बैठकर पिछले 6-7 दिनों से पूजा पाठ कर रहा था। हैरानी की बात तो ये है कि ये लोग 6 दिन से भूखे प्यासे रहकर जाप कर रहे थे। हफ्ते भर से जब कोई घर के बाहर नहीं निकला तो पड़ोसियों को शक हुआ। उन्होंने आवाज लगाई मगर घर के अंदर से किसी ने जवाब नहीं दिया। जोर जोर से चिल्लाने पर भी जब कोई नहीं आया तो मोहल्ले वालों ने दरवाजा तोड़ा। अंदर पूजा पाठ चल रहा था और दो लोग जमीन पर बेहोश पड़े थे। मोहल्ले वालों ने इसकी खबर फौरन पुलिस को दी। तब जाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को बाहर निकाला। फिलहाल परिवार के दो सगे भाइयों की मौत हो चुकी है जबकि दूसरे 4 सदस्यों का इलाज चल रहा है। पुलिस की माने तो बाबा कौन है, फिलहाल इसकी जांच की जा रही है।